हाय एवरीवन वेलकम टू गार्डन क्लास आज के सेशन में हम देखेंगे कि कस्टा दयापल जिसे सीताफल और रामफल भी कहा जाता है कि ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है इसमें हम बार्क ग्राफ्टिंग करेंगे इसके स्किन को हम हाइब्रिड वाले स्किन से रिप्लेस करेंगे सबसे पहले हम टूल्स को सैनिटाइज कर लेते हैं प्रूनर को ग्राफ्टिंग नाइफ़ को और ये पेपर नाइफ को भी फाइन कटिंग के लिए और सीजर है प्रेसिजन कटिंग के लिए सारे टूल को हमने ग्राफ्ट कर लिया और मेन प्लांट को कट कर देते हैं देखें इस तरह से हमने इसको यहाँ से कट कर लिया इसको काट के हम हटा देते हैं इसको रूट स्टॉक कहा जाता है जो मेन प्लांट होता है उसे रूट इस्टॉक कहते हैं अब कटिंग वाले एरिया को हम ग्राफ्टिंग नाइफ़ से जिसे हमने अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लिया है को फाइनली फाइनली उसकी ड्रेसिंग कर देते हैं ताकि किसी तरह का कोई रफ पोर्शन नहीं हो और फिर इसके ऊपर से एक से डेढ़ इंच एरिया का स्किन हम निकाल देंगे इस स्किन को बहुत ही केयरफुली काटें ताकि कोई डैमेज ना हो सिर्फ स्किन को कट करना है और इसको बहुत ही केयरफुली हम निकाल देंगे क्योंकि इसी स्किन को हम हाई ब्रीड वाले यानी दूसरे इससे जो बेटर ब्रीड के कस्टर्ड एप्पल है उसके वाइटीज़ हम रिप्लेस करेंगे तो इस स्किन को बहुत केयरफुली धीरे धीरे जो ग्राफ्टिंग नाइफ़ का जो एक पीलिंग पोर्शन होता है जो पील रिमूवर पोर्शन है तो उस पीस की मदद से हम इसको धीरे से पूरे हटा लेंगे अच्छी तरह से क्योंकि ठीक स्किन होता है कस्टर्ड एप्पल का तो इसको आराम से काट ताकि वुड डैमेज ना हो सिर्फ़ स्किन कटे और इस तरह से बार्क स्किन को हम बार्क भी कहते हैं जो छिलका है बेसिकली उसको हम एक एक करके अच्छी तरह से हटा देते हैं और छिलका पूरा हटाने के बाद हम मिक्सचर कर लेते हैं कि अच्छी तरह से सफाई से कट गया ये देखें कितनी सफाई से हमने इसके पूरे बार को निकाल लिए और अब हम जिस स्किन से रिप्लेस करेंगे ये इसे हम साइन कहते हैं ये हायर हायर ब्रीड का कस्टर्ड ऐपल है इसको मेज़र कर लें जो स्किन रिमूव वाले पोर्शन से और उतना ही एरिया इसको हमने काट लिया है अब ग्राफ्टिंग नाइफ़ की मदद से इसके स्किन को हम निकाल लेते हैं बहुत केयरफुली कोशिश करें कि स्किन टूटे नहीं और जो स्किन है उसमें कम से कम एक नोट हो जब भी आप लें किसी हायर ब्रीड दूसरे ब्रीड का तो उसमें एक नोड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी नोड से इसमें ब्रांच आएंगे बाद में तो इसमें हमने एक नोड एरिया लें कम से कम तो एक नॉट के साथ हमने ये इसका बार्क निकाल लिया है और इस बार्क को केयरफुली हमने प्लेस कर दिया है एग्जैक्ट साइज में कोशिश करें कि एग्जैक्ट साइज में आ जाए ना ऊपर जो उसके ब्रांच से ऊपर नहीं हो वन नॉट मिनिमम एक नॉट होना उसमें बहुत ज़रूरी है और उसके बाद इस को हम ग्राफ्टिंग टेप से अच्छी तरह से सील कर देते हैं ग्राकि ग्राफ्टिंग टेक लगाने का ख़ास मकसद है कि ये जो बार्क हम लगाए हैं जो स्किन दूसरे हाइब्रिड का वो सूखे नहीं और साथ ही इसमें किसी तरह का कोई मॉइस्चर एंटर नहीं करे क्योंकि मॉइस्चर एंटर करेगा तो फिर ये सेटिंग नहीं हो पाएगी और अगर खुला रहा तो ये सूख जाएगा क्योंकि उसे हरा और फ्रेश रखेंगे ताकि पंद्रह से बीस दिन पच्चीस दिन में ये उसके साथ सेट हो जाए इस तरह से हमने ग्राफ्टिंग टेप से इसको अच्छी तरह से सील किया है और ये वाला एक चौरा वाला टेप है ये भी ग्राफ्टिंग टेप है ये इससे एक बार हम फिर इससे अच्छा से सिक्योर कर देंगे ताकि किसी तरह का कोई मॉइस्चर इंटर नहीं करे और इसकी अंदर की ह्यूमिडिटी बनी रहे ताकि सेट होने में इनको दिक्कत ना हो और फिर इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से नॉट लगा देते हैं एक्स्ट्रा पोर्शन जो ग्राफ्टिंग टेप का है उसको हम काट के हटा देते हैं ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से सील हो गया और वो जो नॉट पोर्शन है वहाँ से जब ब्रांचेज आएंगे तो ये क्राफ्टिंग टेप को फाड़ के बाहर आ जाएगा और इस तरह से इसके बाद हम इसको एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन हमेशा कोशिश करें कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से इसको कवर करके और इसको हम रस्सी से बांध देते हैं आप भी करें बहुत आसान है क्राफ्टिंग करना कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं इसका अपडेट हम जल्द ही शेयर करेंगे एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी